हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं हमने इस देश की जनता के लिए अपना सब कुछ छोड़ दिया। हमारा एक सवाल है प्रधानमंत्री जी आपसे, आपके पास था क्या जो आपने छोड़ दिया? जिसके पास कुछ रहता है वही ना छोड़ता है। जब आपके पास कुछ था ही नहीं तो इस देश की जनता के लिए आपने क्या छोड़ा? आपके पास सुभाष चंद्र बोस जैसी आईएएस की डिग्री थी जो आपने छोड़ दी। आपके पास गवर्नमेंट सिक्योर जॉब था जो आपने छोड़ दिया। आप नेहरू जी के जैसे बैरिस्टर थे जो आपने इस देश की जनता के लिए छोड़ दिया। आज आप जनता के पैसा से 3.5 करोड़ की BMW गाड़ी में घूमते थे, क्या आपके पास ये गाड़ी थी? आज आप हवाई जहाज से घूमते हैं, क्या आपके पास ये हवाई जहाज था? मेरे भाई, हमारे प्रधानमंत्री जी की दोस्ती ऐसे ऐसे लोगों से है जिनकी पत्नी सुबह की शुरुआत 3.5 लाख का चाय पी के करती है। मुकेश अंबानी की पत्नी नीता अंबानी सुबह की शुरुआत 3.5 लाख की चाय से करती है। ये है हमारे प्रधानमंत्री जी की सच्चाई। और हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हमने इस देश की जनता के लिए अपना सब कुछ छोड़ दिया। प्रधानमंत्री जी, आप जिस बंगले में रहते हैं उस बंगले की कीमत जानते हैं? आज जिस ऐसो आराम से आप रहते हैं उस ऐसो आराम को कभी आपने ख्वाबों में देखा था? आज आप 32 करोड़ का सूट पहनते हैं, 40,000 की सब्जी खाते हैं, क्या आपने ऐसी फैसिलिटी किसी को देखा है? आज आप एसी रूम में रहते हैं लेकिन देश की जनता सड़कों पर रहने को मजबूर है। देश की जनता आज भूख के मारे मर रही है लेकिन आप करोड़ों की खाना खाते हैं, फिर कहते हैं कि हमने इस देश की जनता के लिए अपना सब कुछ छोड़ दिया। प्रधानमंत्री जी, आप इस देश की जनता को गुमराह कर रहे हैं। आपने इस देश की जनता के लिए कुछ छोड़ा नहीं है, हकीकत में आप इस देश की जनता को गुमराह करके आपने हुए सभी ऐसो आराम को पूरा किया है जिसका ख्वाब आप आरएसएस में रह के देखा करते थे। आज आपके पास ऐसी ऐसी गाड़ियां हैं जिसकी कीमत अरबों में है, आप ऐसे बंगले में रहते हैं जिसकी कीमत लगाना मुश्किल है। आपके पास ये आलीशान बंगले पहले से थे? नहीं थे तो आप देश की जनता के सामने झूठ क्यों बोलते हैं? मेरे भाई, आप इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि प्रधानमंत्री जान जाए कि इस देश की जनता हमारे हकीकत को अब समझ रही है। हमारे प्रधानमंत्री जी झूठ बोल रहे हैं। हिटलर कहा करता था, आप एक झूठ को 100 बार बोलिए वो झूठ सच में रूपांतरित हो जाएगा। यही हमारे प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं। अपने मन की बात सबको सुना रहे हैं लेकिन इस देश की जनता की पीड़ा सुनने के लिए तैयार नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने कुछ नहीं छोड़ा है, इस बात का सहारा लेके हर कुछ पाया है जो इस देश की जनता नहीं पा सकती। इस देश की जनता सिर्फ मूर्ख बनाई जा रही है अपने प्रधानमंत्री जी के द्वारा। हमारे प्रधानमंत्री जी 40,000 की सब्जी एक बार में खा जाते हैं, क्या आप 4 रुपए की सब्जी खा पाते हैं सही से? शेयर कीजिए और बताइए इस देश की जनता को कि हमारे प्रधानमंत्री जी की बातों में कितनी सच्चाई है और हमारे प्रधानमंत्री जी के पास कैसे कैसे